हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज ही मॉर्निंग व्लॉग है और बहुत टाइम व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और आज है नवरात्र का फर्स्ट डे, तो यहाँ पे मैं माता रानी की स्थापना कर रही थी। तो पंडित नहीं बुलाते हैं तो मैं खुद से ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे बस मैं माता जी को चुनरी उड़ा दूँगी। और बहुत टाइम से व्लॉग नहीं बना रही थी, तो मैंने सोचा कि आज बहुत अच्छा दिन है, तो मैं आज से माता रानी के पहले दिन से वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, वापस से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं माता रानी को चुनरी उड़ा दूँगी और मेरी पूजा पाठ चल रही है। और गुनू मेरा स्कूल जा चुका है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वरना अगर वो होता तो यहीं रहता। तो सुबह से उसका स्कूल रहता है, तो उसके जाने के बाद ही मैं यहाँ पे माता रानी की स्थापना कर रही हूँ। और मैं 9 दिन का व्रत भी रहती हूँ, तो बहुत अच्छे से पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे माता रानी को चुनरी उड़ा दी है मैंने और कलश भी चला दिया है। और उसके बाद मैं माता जी को नहला दूँगी फूल से पानी, मतलब फूल में, फूल को पानी में डिप करके माता रानी को नहला दूँगी। उसके बाद फिर मैं चंदन लगाऊंगी, मतलब सब कोई पूजा करते हैं ऐसे ही, पर दिखा रहे हैं, मैं दिखा रही हूँ तो बताती जा रही हूँ कि मैं ऐसे कर रही हूँ। और वैसे भी पूजा तो सब कोई बहुत अच्छे से करते हैं, और नवरात्र में 9 दिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं व्रत भी बहुत टाइम से रह रही हूँ, मतलब जब मैं 8th क्लास में थी, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब से रह रही थी। फिर मैं 9 साल रहने के बाद उद्यापन कर दी थी और वापस से फिर मैंने बेटू के होने के बाद से स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं माता रानी को चंदन लगा रही हूँ, और मुझे पूजा पाठ करना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं इनको फूल चढ़ा दे रही हूँ, और ये सब फूल वूल मेरे घर पे ही होते हैं। मेरे यहाँ वैसे भी बहुत बड़ा गार्डन है, तो ये फूल वूल, अब फूल वूल चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पे माता जी को प्रसाद चढ़ा रही हूँ, केला सेव, तो यहाँ पे प्रसाद चढ़ा दूँगी। और यहाँ मेरी पूजा पाठ हो गई है, और देख सकते हैं माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। और ये कलकत्ता की काली माता है, लगती नहीं है बट ये कलकत्ता की काली माता है। जब मैं शादी होकर आई थी तो मेरी मम्मी ने ये मुझे दिया था, क्योंकि मैं शादी के पहले इनकी बहुत पूजा करती थी। और ये रहे मेरे पूरे भगवान। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आज है नवरात्र, तो आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और आज से मैं ब्लॉग वापस से कंटिन्यू करने वाली हूँ। और क्यों नहीं बना रही थी मैं ब्लॉग, तो पर नहीं बना रही थी, कुछ इशूज थे तो नहीं बना रही थी। और मैं 9 दिन व्रत पे रहती हूँ, तो मेरा इस समय 9 डेज का फास्ट चलेगा। और मैंने पूजा वगैरह कर ली है, तो गुन्नू के जाने के बाद मैंने पूजा की थी, मतलब बाकी भगवान जी की पूजा हो गई थी, बट माता जी की स्थापना जो मैं अलग से करती हूँ वो गुन्नू के पास ही की हूँ मैं उसके जाने के बाद, क्योंकि उसका टाइमिंग भी बहुत सुबह से रहता है, 7:30 बजे उसको स्कूल के लिए रेडी करके 7:30 बजे उसको स्कूल भेज देना होता है। तो नहीं हो पाया था, मतलब नहीं हो पा रहा था, लेट लग रहा था मेरे को कि शायद मैं अगर पूजा करने लग जाऊँगी तो गुन्नू लेट हो जाएगा, तो मैंने स्थापना वगैरह बाद में की है। और मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, प्लीज़ 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 बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और वीडियो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो अभी बच रहे हैं 8:15, और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, जा रही हूँ, चाय वगैरह पी होंगे। और चाय पीने के बाद फिर मैं अपने काम स्टार्ट करूँगी, जो कि मेरे काम पहले हुए हैं। गुनू को लंच वगैरह बनाए थे, तो बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं धोने वोने को, तो वो सब करूँगी। तो
चलिए कर लेते हैं, मेरे ब्लॉग में प्लीज कंटिन्यू बने रहिए। गाइस तुमने स्कूल से आ चुका है और यहाँ मैं इसे खाना खिला रही हूँ, बस इसे खाना खिला रही हूँ। खाने में आज मैंने बनाया था आलू भटर टमाटर की सब्जी रोटी, बस क्योंकि मेरा और पापा का व्रत है, पापा को और इनके लिए छोटी सब्जी बनाई है, तो चलिए इसे खाना खिला लेते हैं उसके बाद। तो गाइस यहाँ मैंने साड़ी पहन ली है क्योंकि उसमें मैंने बर्थडे खाना किया था, बनाया था झूठा था, और गुल्लू को खाना खिलाने के बाद यहाँ पे आ गई मैं नहाने के बाद माता जी का जोत देखने। तो अभी जोत बराबर चल रहा है और ये देख सकते हैं मेरी माता जी कितनी सुंदर लग रही हैं, और इसमें मेरे पूजा का पानी है, तो देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है माता जी। गाइस अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे ली है मैंने मूंगफली, ये मूंगफली 1 किलो है और इसकी बनाऊंगी मैं मिठाई, तो चलिए इसे कढ़ाई में डाल के रोस्ट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ मैं मिठाई थाली में फैला के रखती हूँ अच्छे से, अभी ठंडी हो जाए तो देखते हैं काट के, और ये भी देखते हैं जमती है या नहीं, तो जब तक ये ठंडी होगी तब तक चलते हैं तो गुल्लू को सुला देते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है, ज़्यादा बच रहे हैं 3। और यहाँ पे गुल्लू मेरा पहले से ही बॉटल लेके लेट चुका है सोने के लिए। गुल्लू सोना आपको तो आजकल मेरा गुल्लू सुबह जल्दी उठ जाता है, 6 बजे उठ जाता है, तो बेचारे को सोना भी ज़रूरी है, तो यहाँ पे इसको सुला देते हैं और फिर मिलते हैं। सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5 और गुल्लू को सुलाने के बाद मैं भी सो गई थी, और यहाँ पे आके मैंने चाय चढ़ा ली है इंडक्शन पर, और चलिए जोत देख लेते हैं। तो जोत की हमारी भी जल रही है, उसमें घी वगैरह है और तो गाइस अभी भी मेरी दीपक में घी है और अच्छे से जल रही है, तो माता रानी कृपा करेंगी तो 9 दिन तक ऐसे जलती रहेगी, कोई भी मतलब ना बुझे, माता रानी कृपा करे कि मेरा दीपक ना बुझे। और यहाँ पे मैंने अभी चाय चढ़ाई है, तो जब मेरी चाय पक जाएगी तो चाय पियेंगे और फिर उसके बाद दूसरे काम देखेंगे कि क्या करना है। चलिए चलते हैं गुल्लू को देखते हैं। तो गुल्लू मेरा अभी भी यहाँ पर सोया हुआ है, देख सकते हैं आप, एक तो सोएगा नहीं और जो सोता है तो फिर ऐसा सोता है कि 6 के पहले उठता नहीं है, तो इसको सोने देते हैं और जब तक चलते हैं बाहर। हाँ और यहाँ पे मैं शाम को आके बाहर बैठ गई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे 3 दिन नेवले एक साथ निकले थे, बट उस टाइम मेरे पास फ़ोन अंदर रखा हुआ था, चार्जिंग पे लगा था, और मैं देखने में इतना बिजी थी कि फ़ोन ला के वीडियो बनाना ही भूल गई, और बहुत टाइम बाद निकले हैं नेवले, तो यहाँ पहले भी निकलते थे बट बहुत टाइम बाद निकले हैं, और सुबह सुबह निकले हैं तो देखना कहते हैं सुबह होता है, और ये शाम का है जब मैं यहाँ पर पूजा वगैरह मेरी हो गई थी, आरती हो गई थी कि तब का है। तो गाइस आरती पूजा हो गई है मेरी और अभी जस्ट मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, और अब मैं जाऊंगी तो फरहार बनाऊंगी, तो फरहार में मैं बना रही हूँ साबुदाने की खिचड़ी, तो जब सब बनाते हैं वैसे बनाती हूँ, कुछ स्पेशली अलग नहीं है, तो अब मैं जाके फरहार बनाऊंगी। और अभी मेरा गुन्नू भी सो के उठ के होमवर्क कर लिया है, होमवर्क कर लियो ना लल्ला? होमवर्क कर लिया है गुनू ने, तो बस अब क्या कर रहा है बेटू, टांग अंदर करो, गंदी बात है। और अब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो लल्ला? बैठा हूँ। बैठा हूँ, बैठे बैठे क्या कर रहे हो, टीवी देख रहे हो? तो अब गुनू देख रहा है कौन सा कार्टून देख रहा है, लिटिल सिंघम देख रहा है गुनू, और चलिए अब चलते हैं, तो मैं फरहार बनाऊँगी, उसके बाद मैं रात की खाने की तैयारी भी करूँगी, तो खाना बाद में बनाऊँगी, पहले फरहार बना लूँगी और फिर बाद में खाएंगे, बाद में मतलब बहुत बाद में खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे, बस बना के रख लेंगे, इनको फिर गैस छूटी हो जाएगी। और हाँ आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। बाय, गुड नाइट।